हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आपके लिए अनदर वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में ये जो नया सीरीज चालू कर रहा हूँ, इस सीरीज का नाम है बिगिनर्स सक्सेस फॉर्मूला। इस सक्सेस फॉर्मूला में मैं आपको मेरे अपने खुद के जो मेरा खुद का तजुर्बा है उसका जो निचोड़ है, जो काफ़ी गए 5-6 साल से मैं इस मार्केट में बना रहा हूँ और मैं किस तरीके से बना रहा हूँ और इसके जो सक्सेस फॉर्मूला है ये सब निचोड़ से लाया हुआ मैं फॉर्मूला आपको बताऊँगा। मैं इसके पहले आपको एक बता देता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी फील्ड में अगर आपको मास्टरी लेना है या आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो इसमें आपको सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होता है वो है बी इन द गेम, यानी आपको उस गेम में बना रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप देखोगे कि कोई भी, जैसे कि उसका जो शुरुआती वाला जो टाइम होता है, कोई भी अगर आप क्रिकेटर देख लियो या कोई भी चीज़ देख लियो, कोई भी अगर इंडस्ट्री में देखोगे तो उसमें जो दिग्गज लोग हैं उन लोग को जो शुरुआती टाइम होता है ना, वो लोग सिर्फ है ना सिर्फ वहाँ पे बने रहने के लिए ही उसको क्रेडिट देते हैं। बिकॉज अगर वो जब तक बने रहते तभी तक तो आज उस लेवल पे पहुँचे रहते। मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा कि बी इन द गेम जो प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो कैसे आप मैच कर सकते हो। आपने अगर अपने इंडियन क्रिकेट टीम में जो द्रविड़, राहुल द्रविड़ करके जो जाना जाते हैं, वो उनका जो आप अगर उनका जो बैटिंग स्टाइल देखोगे, उनका जो पिच पे आते हैं तब उन लोग का अगर स्टाइल देखेंगे ना, तो वो एक लाइक बोलते हैं ना टेस्ट मैच के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट इसके अलावा वो बॉल को बहुत अच्छी तरीके से प्लेस करना जानते हैं। उसी तरीके से सेम चीज़ हम लोगों को भी स्टॉक मार्केट में कैसे बनते रहना है, और जैसे राहुल द्रविड़ जी कैसे बने रहते हैं उनके क्रिकेट पिच पे, वो सेम चीज़ हम लोग को वहाँ पे कॉन्सेप्ट करना है। तो मैं आपको एक राय दूंगा कि यहाँ पे आपको राहुल द्रविड़ बनना है, ना कि और कोई अच्छा प्लेयर, बट राहुल द्रविड़ एक अच्छा प्लेयर है। एक बार अगर आपने करीबन 1.5 से 2 साल अगर बने रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। अभी बी इन द गेम में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कैपिटल प्रोटेक्शन करके आप कैसे बन सकते हो। आपको कैपिटल प्रोटेक्शन यानी इसका मतलब आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपको जारी करना है, दोस्ती करना है आपको स्टॉप लॉस से, ठीक है। स्टॉप लॉस से आप दोस्ती कैसे करोगे, आपको आपका स्टॉप लॉस एक पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन है, तो आपको ये डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से निभाना है, जिसके हिसाब से अगर आप कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म में हो या इंट्राडे बेसिस पे हो या शॉर्ट टर्म में हो, वहाँ पे जब आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, आप वहाँ पे जब स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, तो आपके जो कैपिटल है ना वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे जब कैपिटल प्रोटेक्शन होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आने वाले टाइम में जब अगर आपका पैसा बच रहा है, तो ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम में आप पैसा बना सकते हो। बट अगर इनिशियल लेवल पे मैं, हालांकि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स है, मेरे मेंबर्स की क्वेरी आती है कि सर हमारा कैपिटल लॉस हुआ है, ये हुआ है, अगर आपका कैपिटल लॉस होता है ना तो आप मार्केट में बने नहीं रह सकते हो, दैट इज़ फॉर श्योर, मैं 100% बता सकता हूँ। तो ये जो मेरा टिप है वो आपको कैसे लगा बी इन द गेम वाला, ये मेरा खुद का फॉर्मूला मैंने खुद आपको एक निचोड़ दिया। आने वाले टाइम में मैं इसी सीरीज में और भी काफ़ी सारे सक्सेस फॉर्मूला मैंने जो खुद के अपने अनुभव के हिसाब से निचोड़ के लाया, वो आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के लिए आप है ना जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ना जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो आने वाले टाइम में आपको भी पता चले कि इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ अंत। गुड बाय।